बाय रवि, बाय बाय अमित, राखी, गुड नाइट। गुड नाइट तुम लोगों के लिए, गुड नाइट है मेरे लिए, तो दिन शुरू हुआ है। चलो फिर, सी यू, ओके, बाय बाय। कमाल है यार, मैं तुझे हमेशा डराने की कोशिश करता हूँ, तू डरती नहीं। लिसन, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, या आधी रात के बाद आने वाली आत्माओं से भी नहीं? रवि, आत्माएं आत्माएं कुछ नहीं होती हैं, सिर्फ कहानियां होती हैं लोगों के मनोरंजन के लिए। ऑलराइट, ए 12 बजने वाले, मुझे अपना शो शुरू करना है, सो सी यू। ए तू काम कर, मैं तो घर जा रहा हूं। सी यू, बाय। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3, हियर वी गो, ग्रेट। आधी रात के बाद, जी हाँ, आधी रात के बाद कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में सोचना ही इंसानों के लिए भयानक हो सकता है। सुनसान अंधेरी गलियों में सुनाई देती है किसी आत्मा की आहट। क्या आपने कभी किसी आत्मा की आहट सुनी है, या फिर कभी किसी आत्मा को देखा है? अगर हाँ, तो हमें फोन कीजिए और सुनाइए अपनी डरावनी कहानियाँ। हमारा फर्स्ट लकी कॉलर, लेट्स हियर इट। हेलो, आधी रात के बाद। आधी रात के बाद में आपका स्वागत है, आपका नाम प्लीज? नम्रता। नम्रता जी, सुनाइए अपनी डरावनी कहानी। देखिए, ये कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। कुछ दिन पहले मैं जैसे ही अपने कॉलेज पहुंची, तो मैंने देखा अचानक सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम से गायब हो गए। क्या? हाँ, और दिन से अचानक रात हो गई, कॉलेज के सभी दरवाजे बंद हो गए। मैं बाहर भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी मेरे सामने एक ऑफिसर खड़े खड़े गायब हो गया, अपने नेक्स्ट कॉलर का। नेक्स्ट कॉलर, हाँ जी, आपका नाम? नाम इंसानों का होता है, आत्माओं का नहीं। आत्मा? आत्मा हूँ मैं, आत्मा। किसकी आत्मा? मूर्ति की आत्मा। वाह वाह, पहली बार किसी आत्मा ने हमें खुद फोन किया है, ग्रेट। हमारे तो भाग ही खुल गए। तो आत्मा जी, अपनी कहानी सुनाइए प्लीज। रात का वक्त था, सब सो चुके थे, पर वो नहीं सोया। बहुत शौक था ना उसे रात को टीवी देखने का। Thank you.
डरावनी कहानी सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आत्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी कहानी सुनाई। वैसे मैं आपका नाम जान सकती हूँ प्लीज? मैंने कहा ना, आत्माओं का नाम नहीं होता। ओके, राइट। लेकिन जब आप जिंदा थे तब तो कोई नाम होगा ना? हेलो हेलो हेलो, उप्स, लगता है हमारा आत्माओं की दुनिया से संपर्क टूट चुका है। नो प्रॉब्लम्स, आज की रात के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ, लेकिन आधी रात के बाद। सो फिलहाल एक सॉन्ग सुनिए। राखी, तुम्हारे शो ने तो तहलका मचा दिया, तहलका। चारों तरफ सिर्फ तुम्हारे शो की गूंज है और सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। I'm so happy. Thank you so much, sir. और मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोगों को ये डरावनी कहानी इतनी पसंद आएगी। Actually. Congrats, राखी. Thanks, Ravi. But you know what? Thanks to manager, sir, कि मेरे आइडिया पे इतना भरोसा दिखाया और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अरे भरोसा तो करना ही था भाई, और मैं तो वैसे ही शुरू से कॉन्फिडेंट था इस शो को लेकर कि ये जरूर हिट होगा। और कल रात की वो आत्मा वाली कहानी, मेरी तो खुद की हालत खराब हो गई थी सुनकर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन 12 बज चुके हैं, मेरा शो शुरू होने वाला है। सो आई लीव, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू, सी यू। ओके गाइस, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा रवि, यस सर, तुम जरा दो मिनट रुको। यस, कल रात का जो शो था, जो प्रोग्राम था, वो तुम और सुरेश दोनों मिलकर होस्ट करने वाले थे। तुमने अकेले क्यों होस्ट किया? सर क्या करता, सुरेश आया ही नहीं। सुरेश आया नहीं? नो सर। सो अनप्रोफेशनल, तुमने उसे फोन किया था? किया था सर, पर उसका फोन बंद आ रहा था। फोन बंद आ रहा था? यस yes. पर आज से पहले तो सुरेश ने ऐसे कभी कुछ किया नहीं। हाँ, तुम एक काम करो, कल उसके घर पर जाओ और पता करो कि आखिर ये चक्कर क्या है। ओके सर। हे, हमारा फर्स्ट लकी कॉलर। हेलो, वेलकम टू आधी रात के बाद। आपका नाम? आत्माओं का नाम नहीं होता। उप्स, आत्मा जी, आप फिर से? वेरी गुड, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? आधी रात के बाद एक आदमी अपने घर जा रहा था अपने ऑफिस से कि तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। कि बाइक को भी यहीं खराब होना था, इतनी रात को अब घर कैसे जाऊं? कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। बस स्टॉप, शायद कोई बस मिल जाए, ट्राई करता हूं। hmm.
आखिरी बस की टाइमिंग 12:10 बजे 12 मतलब 10 मिनट हो सकता है कोई बस मिल जाए अरे बॉस आखिरी बस चली गई क्या हो थैंक गॉड वैसे आप भी इसी बस में जाने वाले हैं क्या बॉस बस आ गई तैयार हो जाओ आत्मा जी आप मुझे प्लीज एक बात बताइए आपके पास क्या डरावनी कहानियों की कोई किताब है जो आप रोज नई नई अच्छी अच्छी कहानियां हमें सुनाते हैं ग्रेट आई एम वेरी श्योर कि हमारे लिसनर्स बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि इस आत्मा का आखिर नाम क्या है मेरा नाम पूछती हो कहानी में आत्मा हूं लिसन मजाक कुछ हद तक अच्छा लगता है उसके बाद सब तुम्हें मजाक लग रहा है जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं ये कहानी नहीं है ये सब सच्चाई है सच्चाई आज सुरेश ऑफिस नहीं आया सुरेश आप सुरेश के बारे में कैसे जानते हैं आत्मा सब जानती है सब जानती है हेलो हेलो लेकिन आप हेलो सुरेश 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 कहाँ हो तुम सुरेश शायद रसोई घर में होगा मैं जाकर देखता हूँ रवि एक मिनट अगर ये कहानी सच्ची है ना रवि तो वो रसोई में नहीं अपने बेडरूम में होगा बेडरूम में हाँ और उसके कमरे का दरवाजा खुला होगा और उसके खून के छींटे कमरे के बाहर तक गए दरवाजा तो खुला हुआ है और दरवाजे के आसपास खून के छींटे हैं क्या हाँ है और उसकी लाश दरवाजे पर पड़ी होगी इसका मतलब वो लाश भी दरवाजे के आसपास ही होनी चाहिए राखी यहां पे कोई लाश वाश नहीं है टेबल गिरी हुई है हाँ ये तो बिल्कुल लैंप भी गिरा हुआ है टीवी केबल
टीवी का केबल भी निकला हुआ है। देखा देखा, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे उस आत्मा ने अपनी कहानी में बताया था, बिल्कुल वैसा ही। देखो तो सही रवि, लैंप, टेबल, टीवी की। रिलैक्स राखी, जरूर सुरेश ने ये सब चीजें पहले से रखी होगी। अच्छा तो ये खून, ये खून, अरे खून नकली भी तो हो सकता है। तुम खुद ही सोचो, अगर सारी बातें सच होती तो हमें सुरेश की लाश यहाँ पे मिलती? ये तुम्हें मिली नहीं ना? ये सुरेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। मजाक नहीं, सच है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, तुमने तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था ना। इसका मतलब वो दूसरी बात भी सच होने वाली है, वो बस स्टॉप वाली बात भी सच होने वाली है। What? ये सब सच होने वाला है, मैं भी नहीं बचूंगा। पर वो आदमी तो जिंदा ही होगा ना, पर उसने किसी को पता है क्यों नहीं आत्मा के बारे में? तुझे क्या लगता है कि सच में कोई आत्मा है? अगर मैंने इन लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया तो हो सकता है वो आत्मा सुरेश की तरह मुझे भी मार डाले। नहीं, मैं तो शहर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं यार, मुझे लगता है उसने पूरी कहानी देखी है और सुरेश को उसी तरह से मार दिया जैसा कहानी में था। लेकिन उस फोन करने वाले को कैसे पता चला सुरेश के बारे में? हो सकता है उसी ने फोन किया और उसे मार दिया। मैं अभी आया। पता नहीं अब आज रात को फोन पे वो मुझे कौन सी कहानी सुनाने वाली है। नहीं, वो 11:15 बज चुके हैं, यामिनी 11 बजे आने वाली थी। यामिनी के बारे में सोच रहा है? टेंशन मत ले, फोन आ गया था। फोन आ गया था? उसने तुझे फोन किया? क्यों, नहीं करना चाहिए था? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुझे फोन कर सकती है, प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्या कह रही थी? कौन? अरे यामिनी के बारे में? हाँ कुछ नहीं यार, शादी कर रही है ना, लड़के वाले आ रहे देखने के लिए। क्या लड़के वाले देखने आ रहे हैं? लेकिन एक बात तो है यार, जिस किसी के भी साथ यामिनी की शादी होगी ना, वो लड़का खुश नसीब होने वाला है, लिख के ले ले। शायद। वैसे कौन है वो लड़का, करता क्या है? बोला था मैंने तेरे को, सोच यामिनी के बारे में थोड़ा सोच। लेकिन तू जनाब मेरी बात मानते कहाँ है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। अब जब यामिनी की शादी होगी ना, मेरे साथ बारात में नाचना। हाँ हाय यामिनी। Thank you.
कुछ नहीं है, वही टाइम पास कर रहे थे। तो सब कुछ फाइनल हो गया? फाइनल किस बारे में? तुम्हारी शादी की, वो लड़का आ रहा था तुम्हें देखने के लिए। शादी, लड़का, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें किसने बताया? किसने? इसने। और तुमने भरोसा कर लिया? क्या है राघव, शादी, लड़का, क्या ये सब? अरे यार, कब से तेरे बारे में पूछ पूछ के बोर कर दिया इसने मुझे। बोर दिया बम। मैं कब पूछा था इसके बारे में? वैसे तुम्हें देर क्यों हो गई? तुम लोगों ने रेडियो नेशन का नाम सुना है? हाँ, वो रेडियो स्टेशन। उस पर हर रोज रात को 12 बजे एक शो आता है, आधी रात के बाद। हाँ, ये वही शो है ना जहाँ पर लोग फोन करके अपनी डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं? करेक्ट, उसी शो के बारे में पता लगा रही थी। सुना, उस प्रोग्राम में जो भी कहानियाँ आ रही वो सच होने लगी। क्या? हाँ, कहानियाँ सच होने लगी। हाँ, और सुना है कि वहाँ कोई आत्मा खुद फोन करती है। आत्मा फोन करती? अगर ये बात सच है तो आज हम लोग खुद ये प्रोग्राम सुनेंगे। की दस्तक आप तक पहुंचाने हम फिर से हाजिर हैं। आधी रात के बाद हमारे इस मिडनाइट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जिनका दिल कमजोर है वो ये प्रोग्राम बिल्कुल ना सुने, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने वाले हैं डरावनी डरावनी कहानियां। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें नेक्स्ट कॉल कौन करता है। रात के बाद में आपका स्वागत है। लेकिन वो दूसरी बस स्टॉप वाली कहानी तो सच नहीं हुई ना? वो भी सच्ची थी, पर बेचारा राकेश इतना डर गया था कि उसका मुंह ही नहीं खुल पाया। राकेश, राकेश, मतलब ये दूसरा हादसा राकेश के साथ हुआ था? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों ने रेडियो कहानी सुनने के लिए चला रखा है, तुम्हारे सवाल सुनने के लिए नहीं। तुम रुको, तुम कोई कहानी मत सुनाना, वरना वो भी सच हो जाएगी। वो तो होनी ही है। सुनो। नहीं। आधी रात के बाद एक नौजवान लड़का अपना मोबाइल ऑन करता है रेडियो पर तुम्हारा शो सुनने के लिए, पर ये क्या, घर के अंदर तो नेटवर्क ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बाहर गार्डन में कोशिश करते हैं। अरे यार, मेरा मोबाइल का रेडियो सिग्नल क्यों नहीं पकड़ रहा?
अरे यार अब तो मेरा शो भी शुरू हो गया होगा। इसे बचाना होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किसके साथ हो रहा है। पर वो इसे मार डालेगा हर्ष। मत मारो उसे, प्लीज, प्लीज रुक जाओ, मत मारो उसे। क्या है? बचाओ मुझे। क्या है?